So same topic we'll revise today. Court feature and reissue of shares. There is a problem in sum number 72. किसी और ने किया हो सम उसका आंसर आया हो या फिर ना आया हो. एंट्रीज करिए. आपने से किया किसी? समीर. ये क्या था? वीकेंड. इतनी बड़ी बड़ी आवाजियां ले रहे हो. किसी ने सम किया हो 72nd और उसका आंसर ना आया हो या भी आ भी किया हो तो भी नहीं किया अभी. चलिए मैं करवा रहा हूँ. He says Telecom Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as rupees 7 including premium on application, rupees 5 on allotment, and the balance after 3 months of allotment. A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay allotment and call money, and his shares were forfeited. 160 of these shares were reissued for rupees 1600. Give entries in company's journal and balance sheet. यहाँ balance sheet पूछी हुई है. और पूरा सम यहाँ पे है 20,000 शेयर्स 10 ईच पेएबल 5 रुपीज का प्रीमियम और पेएबल एज 10+5 15 पेएबल एज 7 ऑन एप्लीकेशन देन 5 एंड बैलेंस एंड द प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन दिस इज 2+5 है ना. हम उस दिन भी बात करी थी जो कंपनी है वो प्रीमियम कहीं भी मंगवा सकते. कंपनी की अपनी मर्जी है. अगर सम में ना कहा गया होगा तो हम उसको अलॉटमेंट पे अज्यूम कर लेंगे. यहाँ उसने कह दिया है ठीक है. अब इसका मतलब पता क्या बनता है आगे जाके. इसका मतलब देखिए प्रीमियम जो जो एप्लीकेशन है उस पर कभी भी फॉल्ट नहीं हो सकता. उसने एप्लीकेशन तो पे की ही होगी. अब उसने एप्लीकेशन पे की है इट मीन उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है. तो जब आप कोर्ट फीचर की एंट्री करोगे वहाँ प्रीमियम नहीं आएगा बिकॉज सारे का सारा प्रीमियम जो है वो उसने एप्लीकेशन पे ही रिसीव करना था कंपनी ने और रिसीव कर भी दिया है ठीक. नाउ नंबर ऑफ शेयर्स वर रुपीस नंबर ऑफ शेयर्स वर 20,000 एंड 200 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. 200 शेयर्स ने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ये नहीं पे करी. उसके शेयर्स बाद में फोरफिट कर दिए गए और आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 160 शेयर्स जो थे वो रीइश्यू कर दिए गए. एंट्रीज लिखिए. जो हर स्टेप पे दो एंट्रीज होती है ना. एप्लीकेशन की भी दो है अलॉटमेंट की भी दो है. हर स्टेप की दो दो एंट्रीज है. जो प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं हम वो उन दो एंट्रीज में से किस एंट्री में खोलते हैं. बैंक वाली एंट्री में खोलते हैं या विदाउट बैंक एंट्री में खोलते हैं. विदाउट बैंक में खोलते हैं. याद रखना इस बात को. प्रीमियम का जो अकाउंट खोलते हैं विदाउट बैंक खोलते हैं ना. विदाउट बैंक एंट्री अलॉटमेंट में फर्स्ट होती है. कॉल मनी में फर्स्ट होती है. सेकेंड कॉल वाली भी फर्स्ट होगी लेकिन एप्लीकेशन में सेकेंड होगी ठीक है. अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे होगा एंट्री नंबर 2 में खुलेगा अकाउंट. अगर वो अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे होगा 3 में खुलेगा. फर्स्ट कॉल पे होगा तो वो 5 में खुलेगा. सेकंड कॉल पे होगा तो वो 7 में खुलेगा. ये एंट्री हम बहुत पहले कर चुके हैं. ये पॉइंट हमने एग्जाम से पहले किया हुआ है. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ठीक. सो फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. जिसने नहीं किया वो लिख लिया साथ साथ में. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रुपीज 1,40,000 1,40,000 नरेशंस की स्पेस छोड़ लेना वो अपने आप लिखना बाद में. सेकंड आपका एंट्री आपकी बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. फाइन. एप्लीकेशन में सेम अमाउंट आएगी 1,40,000. कैपिटल में आएगी 20 × 2 = 40,000 और प्रीमियम में आएगी 20 × 5 = 1,00,000 ठीक है. ये ब्रैकेट में आपने हर अकाउंट के ब्रैकेट में दिखाना है. दिस मेनी शेयर्स इनटू दिस इज 20,000 × 7 एप्लीकेशन में 20 × 2 कैपिटल में 20 × 5 आपका प्रीमियम में. आफ्टर दैट अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर दीजिए. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 1,00,000 20,000 शेयर्स इनटू 5 करके. देन आपका है अलॉटमेंट रिसीव. उसने कहा 200 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी. मीन 200 × 5 1,000 कॉल्स इन एरियर्स थी और अमाउंट भी हो रही है आपकी 1,99,000 आप रिसीव करोगे. एंट्री बनेगी बैंक डेबिट. देखिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. एंट्री नंबर 3 आपने कितनी अमाउंट से करी है. ड्यू कितने से की है आपने अलॉटमेंट अभी से की है आपने. कितने से की है
1 लाख से की है, तो उसने कहा 200 × 5, 200 शेयर होल्डर नहीं दिए ना पैसे हमें, मीन 1000 रुपीज नहीं मिले हमें, 1000 नहीं मिले तो बाकी के 99,000 मिल गए। लिखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 1000, टू शेयर अलॉटमेंट रुपीज 1 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट रुपीज 1 लाख, ठीक है। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, कॉल मनी ड्यू की, कॉल ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर इन फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 60,000, शेयर इन फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 60,000, 20,000 × 3 करके। और यहाँ भी 200 शेयर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी तो कॉल इन एरियर की अमाउंट कितनी बन जाएगी, रुपीज 600, 60,000 में से 600 नहीं रिसीव किए हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक डेबिट 59,400, कॉल्स इन एरियर डेबिट रुपीज 600, टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 60,000, बैंक डेबिट 59,400, कॉल्स इन एरियर डेबिट 600, टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 60,000। नाउ ही सेज देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, 200। और ये केस कौन सा है, बिफोर पासिंग द एंट्री ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स वी सी वेदर द शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम, दीज शेयर्स हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे इशू किए हुए अगेन वी सी वेदर द प्रीमियम हैज बीन पेड और नॉट, यहाँ पे क्या है पेड, अगर पेड हो तो कौन सी एंट्री करते हैं, सेम पार वाली एंट्री हम कर देते हैं, पार की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, 200, फुली कॉल्ड अप और पार्टली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप 10 रुपीज का शेयर था तो 200 × 10 शेयर कैपिटल में रुपीज 2000, फॉर फ्यूचर में जो उसने अमाउंट पे करी, कॉल एरियर में जो उसने अमाउंट नहीं पे करी, हमारे पास कॉल एरियर की अमाउंट पड़ी हुई है, पड़ी है ना, 1000 हमने एक की अलॉटमेंट पे और 600 पे एक की है, 1600 रुपए, 400 रुपया फॉर फ्यूचर में आ गया। अब चेक करना हो 400 कैसे आया है, उसने कितने पे किए थे, 7 में से 5 तो हमने गिनने ही नहीं, प्रीमियम के 2 ही गिनने थे, 200 × 2 400 रुपीज अमाउंट फॉरफिट हो गई। आफ्टर दैट द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, 160 फुली कॉल्ड अप शेयर्स थे, कितने पे रीइश्यू किए, 1600 रुपीज पे, मतलब 10 रुपीज वाला शेयर, 1600 के शेयर बनते थे, 1600 पे रीइश्यू कर दिए, इट हैज बीन रीइश्यूड एट व्हाट, पार प्रीमियम और डिस्काउंट एट पार, एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 1600। नाउ वी विल ट्रांसफर द अमाउंट टू नेक्स्ट पार्ट में कैपिटल रिजर्व, नाउ बिकॉज ऑल द शेयर्स हैव नॉट बीन रीइश्यूड देन प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। हाउ टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट, फार्मूला किसी को याद है, अपन ऐसे ही आए हैं टाइम पास कर रहे हैं, बता दो यार फार्मूले, बता दो कोई चीज तो बता दो, चैप्टर कौन सा चल रहा है, फॉरफिटर टॉपिक क्या चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर देख के बताएगा ये, गुड, चैप्टर चल रहा है शेयर फॉरफिटर और टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ऐसे सॉरी मेरा क्वेश्चन गलत था, तूने आंसर पहले दे दिया, मेरा ही क्वेश्चन गलत था, मैंने पहले पूछ लिया, मेरे को पूछना नहीं आता मैं क्या करूँगा, चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, टॉपिक चल रहा है फॉरफिटर ऑफ शेयर, है ना, मेरी मिस्टेक लंबी लंबी है बस ये लेनी क्लास में ऐसे ही होना, चलो क्या होता है फार्मूला इसका, किसी और को नहीं पता है वसुंधरा और वैशी के अलावा करिका वो ही सेम है, मौली वही, और कोई जिसको प्रोपोर्शनेट गेन निकालने का फार्मूला बताओ, कनिका बताना बेटा, सर अमाउंट फॉरफिटर अपॉन शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है बेटा वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, अमाउंट फॉरफिटेड कितनी है यहाँ पे, कनिका इज देयर 400 नंबर, यस सर, डिवाइडेड बाय 200 इनटू 160 आपका आ गया 360 320 आंसर, ये आ गया माइनस, यस सर,
कोई लॉस नहीं हुआ रीइशू के माइनस नील, तो कैपिटल रिजर्व जो है 320 अमाउंट आ जाएगी आपको। ये दिखाना है आपने, और ये दिखाने से पहले वहां फार्मूला लिखना है, फार्मूले से पहले आपने हेडिंग लिखना है, हेडिंग से पहले आपने वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फार्मूला अमाउंट फॉरफिटेड ओवर शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर रीइशू, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, माइनस करना मत भूलना, यहां पे जीरो है, है ना। आपने कहना मेरा भी आ गया 320, साथ वाले ने कहना मेरा भी आ गया 320, लेकिन आप यहाँ दिखा रहे ही नहीं, चाहे वो जीरो दिखाएंगे तो सही, लॉस ऑन डी माइनस तो होगा, ठीक है, ये आपकी एंट्रीज है। नाउ द पॉइंट इज ऑफ बैलेंस शीट, रब कर दूं ये ऑनलाइन में, रब कर दूं बेटा ये वाला पोर्शन, अगर किसी को चाहिए तो बता दो अभी। वैसे हमने बैलेंस शीट पहले की हुई, सिंपल बैलेंस शीट की हुई है ना पहले इस चैप्टर में हमने, तो बैलेंस शीट करंट ईयर अमाउंट फॉर्मेट विल रिमेन सेम, यहाँ पे आपका इक्विटी लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में एक आपका आएगा शेयर कैपिटल, एक आपका आएगा रिजर्वमेंट सरप्लस, क्योंकि यहाँ कैपिटल रिजर्व भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा, इसका 2 बन जाएगा। देन आपका एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आएगा, कैश एट बैंक सारे डेबिट्स प्लस कर लेना, क्रेडिट वाला यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई है नहीं, एंट्री नंबर 2 में होता अगर होता तो, एंट्री नंबर 2 में कोई रिफंड नहीं किया गया, जितने बैलेंसेस बैंक वाले हैं सब डेबिट कर लो, एक एंट्री नंबर 1 में डेबिट है बैंक, एक एंट्री नंबर 4 में है, एक 6 में है, एक रीइशू एंट्री नंबर 8 होगी, वो सारे बैंक प्लस कर लो वो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब पॉइंट जो यहाँ पे है वो है शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल इसमें पहले आएगी ऑथराइज्ड कैपिटल, ये हमने मीनिंग किया वो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल का, इट इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम, यहाँ पे वो दी नहीं हुई है, यहाँ पे वो दी नहीं हुई है, अगर हो तो वो लिख देंगे दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में कहीं ये काम नहीं आ रही है, ना ही ऑथराइज्ड कैपिटल ना ही इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल की कहीं काम नहीं आएगी, ये सिर्फ एक नोट्स में एक इंफॉर्मेशन देने के लिए है, तो यहाँ पे आती है शेयर कैपिटल दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड है, यहाँ बताया नहीं किया है तो हम यही मान लेंगे कि जो 20,000 है शेयर्स वही आपके इशूड है और वही ऑथराइज्ड है ना, ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 2 लाख, इसको दिखा के इसको बंद कर देना है, ओनली है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब आपके जो है वो आएंगे हाउ मेनी शेयर्स बन गए 20,000, 20,000 शेयर्स माइनस शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे वो 200 प्लस शेयर्स रीइशू माइनस शेयर्स फॉरफिटेड, जब ऐसे बैलेंस शीट जो है वो आपकी रीइशू के बाद बन रही हो या फॉरफिटेड के बाद बन रही हो तो फॉरफिटेड शेयर्स माइनस कर देने हैं बिकॉज वो हमारे शेयर होल्डर रहे नहीं अब, उसके बाद जब हमने रीइशू कर दिया वो दोबारा हमारे शेयर होल्डर बन गए हैं तो प्लस कर देने, अगर सारे के सारे शेयर्स यहाँ रीइशू हो जाते हम तब भी दिखाते माइनस 200 प्लस 2 दिखा रहा है पॉइंट ये वाला, चाहे वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा बट बिकॉज बताया पूछा गया है हमसे तो हम बताई गई कि माइनस भी किए और प्लस भी किए, यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा बिकॉज दोनों वैल्यूज अलग अलग है, सो टोटल शेयर इशूड माइनस शेयर फॉरफिटेड प्लस शेयर रीइशूड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू कितने शेयर बन गए 40 रुपीज, 40 शेयर्स कम हुए 19,960 हो गए ना, तो 19,960 ये हो गए, अभी ये कंप्लीट नहीं है, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट, 199,600 भाई, अदरवाइज अगर सारे शेयर्स यहाँ पे रीइश्यू हो जाते, अगर यहाँ जितने फॉरफिटेड शेयर्स थे वो सारे रीइश्यू हो जाते तो फिर हम जो अभी करने वाले हैं वो नहीं करते, फिर हमारा आंसर शेयर कैपिटल का यही रहता, एम आई क्लियर, अगर जितने शेयर फॉरफिट किए हैं वो सारे ही शेयर रीइशू हो जाते
सपोज -200 +200, तो जो मल्टीप्लाई करके आता यही अमाउंट शेयर कैपिटल की होती। अगर ऐसा ना हो, अगर फॉरफिटेड शेयर्स ज्यादा है और रीइशूड शेयर्स कम है, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट अभी नहीं आई है। इसमें प्लस करेंगे शेयर फॉरफिटर अकाउंट, शेयर फॉरफिटर। ये उस केस में आएगा, किस केस में आएगा ये, जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर जो है दोस हैव नॉट बीन रीइशूड। Am I clear? इस बात को याद रखना, जब यहाँ पे डिफरेंस है, जब यहाँ पे डिफरेंस है, all the shares have not been reissued, then in that case share forfeiture amount will be added। यहाँ मैं shares की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं amount की rupees की बात कर रहा हूँ। अब the point is rupees आएंगे कहाँ से, rupees है कौन से, है आएंगे क्यों, कहाँ से आएंगे और है किस चीज के। See, हमने 200 shares के amount हमने forfeit कर ली, उसमें से 160 हमने रीइश्यू कर दिए, जो उसका गेन हुआ 160 का, वो कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। 40 शेयर्स ऐसे पड़े हुए हैं जो गेन तो ले लिया लेकिन रीइश्यू नहीं किया, उसका गेन पड़ा हुआ है हमारे पास अभी, दैट इज शेयर फॉरफिटर अकाउंट, ये वाला हुआ आएगा। मीन दिस इज अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोस 40 शेयर्स। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन नॉन रीइश्यूड शेयर्स, एम आई क्लियर, मैं डिफाइन कर रहा हूं अमाउंट फॉरफिटेड ऑन नॉन रीइश्यूड शेयर्स, दोस शेयर्स व्हिच हैव बीन फॉरफिटेड बट हैव नॉट बीन रीइश्यूड। बिकॉज जैसे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन किए हो ना, अदरवाइज वाइवा यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है, इस चैप्टर से वाइवा पार्ट बी से एक्सपेक्टेड है, बट एक्सटर्नल आएगा तो क्या पता वो क्या पूछ ले, है ना। अगर वो पूछे डिफाइन करो इसको, आप क्या बोलोगे, अगर वहाँ पे 100 रुपया हो, यहाँ पे 40 रुपया हो, 60 वहाँ हो जाए, ऐसे भी होगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा वन मार्क के हिसाब से, वन वर्ड वन सेंटेंस। ये कब आएगा, आएगा तब व्हेन ऑल द शेयर्स हैव नॉट बीन रीइश्यू, नॉट बीन रीइश्यू है क्या चीज ये, इट इज द गेन या अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन रीइश्यू। इसीलिए तो ये आ रहा है क्योंकि ये कम शेयर्स है, अगर ये कम ना होते दोनों इक्वली आना ही नहीं था, तो यही आंसर आ जाता था, ठीक है। अब 200 शेयर्स ने कितनी अमाउंट पे की थी बताना मेरे को जरा, 200 शेयर्स ने अमाउंट कितनी पे करी थी, अमाउंट हमने फॉरफिट करी भाई उसने अमाउंट पे की है, शेयर फॉरफिटर एंट्री लिखने जरा वहां पे लिखा होगा, 200 शेयर्स ने अमाउंट कितनी फॉरफिट कितनी पे की थी, 400 400 पर शेयर कितनी अमाउंट बन गई, 200 शेयर थे ना, रुपीज 2 बन गई, तो 40 शेयर कितनी बनती है, 80, ये 80 है, मैं बता रहा हूँ सोखा ट्रिक करने का आपको, ये सोखा नहीं है अभी, ये ओखा है, लेकिन बताना असल में, मैं बताऊंगा आपको असल में बताना ऐसे चाहिए जैसे हो रहा है, तो तभी गेन प्लेयर होना, गेन आया कहाँ से, अमाउंट पेड कितनी थी पर शेयर, उसने कितने पैसे पे किए, 2 रुपीज उसने पे किए, 2 + 5 = 7 रुपीज, ऐसे पे किए थे, 5 हमने गिनने नहीं है या प्रीमियम के हैं, उसने 2 पे किए, अब यहाँ से निकाल लीजिए, उसने पर शेयर 2 पे किए, तो 40 ने कितने पे किए, 80। उस साइड नहीं जाते हैं हम, 400 डिवाइडेड बाय 200 नहीं करते हैं, है ना, उसने 2 रुपए पे किए, 40 में कितने पे हो गए, 40 कौन से हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, 80 40 × 2 80, ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है 199,680 करके, ये आपकी शेयर कैपिटलाइजेशन 199,680। और एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा, दिस इज नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में एक आपका आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितना है, 1 लाख 20,000 शेयर्स इनटू 10,000 था, 1 लाख 10,000 कहां से आया बेटा, 20,000 शेयर्स और 5 रुपीस ईच, 1 लाख नहीं बनेगा, 1 लाख, ये 1 लाख हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में, एक कैपिटल रिजर्व आपका आया कितना है, 320, ये आपका बन गया 1,00,320, एक ये यहाँ पे आएगा, इसको जो प्लस करके आएगा आपका कैश एट बैंक इतना ही आ रहा होगा, प्लस करके चेक कर लेना, ठीक है, इसको 3 लाख, ये बन जाए 3 लाख, यही बन गया 3 बन गया, समझ आया पॉइंट क्या है, एक्चुअली समझ आ जाता होता है जब सर करवा रहे होते हैं ना, जब खुद करना पड़ता है तब चलता है पता ये क्या होगा, एक्चुअल में है ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, टीचर करवा रहा कौन तो बड़ा दिल समझ आता है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कर लेंगे कर लेंगे। इसलिए मैंने बताया आपको कि याद रखना करना क्यों है, कब करना है, एम ही मत कर लेना, पहले पता मुझे कब करना है, कब करना है जब ये सारे शेयर रीइश्यू ना हुए हों, ठीक है,
और ये है क्या अमाउंट ऑन ऑन दोज शेयर्स गेन ऑन दोज शेयर व्हिच हैव नॉट बीन इशूड ना। यहाँ तो कॉलम सिंपल का 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। ऐसे ही करना आप, लेकिन इसे क्रॉस चेक करने के लिए, इसे क्रॉस चेक करने के लिए प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट रफ में करना, अदरवाइज वी टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेल दिस थिंग। ये शॉर्टकट सा बन जाता है एक्चुअली, यहाँ शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा लेकिन बच्चे को नॉलेज नहीं चलेगी पता। अब मैंने बता दिया यार कैसे आना है, क्रॉस चेक करने के लिए चाहे आप शॉर्टकट कर लेना, आप बनाओ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट रफ में बनाना है आपने। पहली बार शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ आया, किस एंट्री में आया, 450 में आया, कितने रुपीज से आया वो, 400 से, और क्या किया डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में 400। नो नीड टू राइट पर्टिकुलर अमाउंट है ही हमारे लिए उसको चेक करने के लिए। उसके बाद कब आया, रीइश्यू में आया, रीइश्यू में आया ये। उसके बाद कब आया, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में आया, कितना आया 320, कौन सा आया डेबिट, डेबिट में 320। हमेशा क्रेडिट साइड फॉर फ्यूचर की बड़ी आएगी डेबिट से, हमने कल भी बात करी थी, बिकॉज गेन ज्यादा होगा लॉस हमेशा कम होगा इस केस में। एंट्री बच गया ये एंट्री है, ये वो वाला एंट्री है जो शेयर फॉर फ्यूचर बना के आएगा। बट यू नीड टू डिटेल, गिव डिटेल हियर कि दिस इज 40 × 280, पता होना चाहिए क्यों आ रहा है ना और कैसे आ रहा है, ये चीज क्रॉस चेक करने के लिए हम बताते हैं, जनरली हम बताते नहीं होते वाली बात है ना, क्योंकि ये मेथड बड़ा ईजी है, इससे आंसर आपका आ जाएगा लेकिन वो नॉलेज से नहीं बनेगी। नॉलेज तब बनेगी जब पता चलेगा आपको आना कहाँ से वाली अमाउंट। हमें क्लियर बन गई बैलेंस शीट की, ये वाला बिकॉज ये गेन हो गया हमारी कैपिटल का, पैसे हमने ले लिए हैं उसको कहीं एडजस्ट नहीं किया, 200 शेयर के पैसे हमने उसके मार लिए, 160 की एडजस्ट हो गए उसे कैपिटल रिजर्व में चले गए है ना, जितना लॉस होना था हो गया, बाकी 40 के पैसे कहाँ थे, 40 के पैसे रख तो लिए दिखाए कहाँ, कोई 40 शेयर रीइश्यू नहीं किए, प्रोपोर्शनेट गेन को 160 का निकला जो आपका ये 320 आया है कैपिटल रिजर्व का, 40 का गेन कहाँ पे है, 40 का गेन 80 रुपीज अभी हमारे पास ही पड़े हुए हैं, हमने वो रीइश्यू नहीं किए इसलिए कैपिटल में दिखाया। Yes, anything else? और कुछ बस कोई सब नहीं किया इसके अलावा, एक मैंने हल्का सा पॉइंट करवाना है आपको जो कि सब नंबर 75 में है। अच्छा एक और मैं पॉइंट बता दूं आपको, अगर जो आपका प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट्स में है, सपोज 10 रुपए वाला शेयर 2 के प्रीमियम पे 12 में जा रहा है और पॉइंट इज 4, 4 and 4 सपोज, एंड प्रीमियम इज दिस इज से 3+1 एंड दिस इज 3+1 सपोज, ऐसे आई होप आई एम क्लियर, मेरा पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन समझ आएगा आपको तभी आपको जो है वो आंसर समझ आएगा है ना। सपोज उसने एप्लीकेशन पे करनी थी, अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट ऑफ ऑल मंगवाई उसने ये नहीं पे करी, कंपनी ने उसके शेयर से फॉरफिट कर दिए, एम क्लियर ठीक है ये सीन क्लियर है। अब उसने क्या हुआ, अब यहाँ पे जो शेयर इशू किए हैं ओरिजिनली वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं, और जब प्रीमियम जो है वो उस वो वाले शेयर अपने प्रीमियम वाले फॉरफिट करने हों तो हम ये देखते हैं कि वेदर द प्रीमियम इज पेड और नॉट, यहाँ पे पेड है कि नॉट पेड है, पेड है नोट पेड है, पेड भी तो है, ये वाला पेड है ये वाला नोट पेड, एंट्री करेंगे नोट पेड से, एंट्री करेंगे नोट पेड वाली, लेकिन रुपया हमने एक लेना है दूसरा नहीं लेना, बिकॉज एक रुपया पेड हो चुका है। सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज होते, अगर 1000 शेयर होते, अगर 1000 शेयर होते तो एंट्री बनती शेयर कैपिटल डेबिट 1000 × 10, 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 1000 × 1 नोट 2, वहां ये मत देखना कि 2 का प्रीमियम है, 2 में से एक पे हो गया है वो नहीं गिनेंगे हम, 1000 × 1 करेंगे 2 नहीं करेंगे। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना, प्रीमियम चाहे 2 रुपए था बट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स में था, उसने 2 रुपए में से 1 रुपया पे कर दिया, उसका 1 रुपया रहता है, तो जो हम डेबिट करेंगे बाई फॉरफिटिंग द शेयर, मैं उस स्टेप की बात कर रहा हूँ, बाई फॉरफिटिंग द शेयर व्हेन वी ओपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वी विल डेबिट That account by rupee 1 per share, not 2 rupees. Out of 2, he has paid 1. वो गिना ही नहीं जाएगा.
मेरी बात क्लियर हो रही है सारी? ठीक है, एक ये पॉइंट था, एक हल्का सा पॉइंट और था जो यहाँ भी आएगा शायद, वो किसी और समय भी आ सकता है। अगर दो बंदों के शेयर हमने फॉरफिट किए हुए, सपोज करो कंटिन्यू, है ना, टाइम कितना है, 6 मिनट्स है, हो जाएगा 2-3 मिनट। अगर दो बंदों के शेयर, मैं ये रख कर दूं, दो बंदों के शेयर हमने फॉरफिट किए हुए हैं मान लेते, एक मिस्टर ए था, इसके 1000 शेयर्स थे, एक मिस्टर बी था, इसके से 2000 शेयर्स, ये हमने फॉरफिट किए थे। टोटल हमने कितने शेयर फॉरफिट किए? 3000, दिस इज शेयर फॉरफिट किए। एंड व्हेन रीइश्यूड ही सेज आउट ऑफ 3000 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड, 3000 जो है उसमें से 2000 शेयर रीइश्यू किए। अब 2000 में किसके शेयर हैं, इसके हैं या इसके हैं, दोनों के हैं, तो आपको बताया होगा इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, ये बताया होगा किसके सारे शेयर्स हैं, इट मींस रिमेनिंग 1000 शेयर्स बी के हो गए। मेरा सीन क्लियर सभी को, है ना, दो पार्टीज के शेयर्स फॉरफिट किए, जब रीइश्यू किए तो पार्शियल रीइश्यू है, एक के पूरे हैं एक के आधे। अब जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनल अमाउंट का फार्मूला लगा देते हैं ना कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, अमाउंट फॉरफिटेड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये वाला फार्मूला इससे नहीं लगना है, इससे नहीं लगना है। कैसे लगेगा, अलग अलग केस देखना पड़ेगा। देखो इसके, इसका पार्शियल रीइश्यू नहीं है, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर रीइश्यू हो गए, इसका है पार्शियल रीइश्यू, 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, 1000 शेयर रीइश्यू किए, तो फार्मूला सिर्फ बी को लगना है, ए को लगना, ए की अमाउंट सिंपल माइनस कर देंगे। सपोज मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूँ, जो उसके हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए उसके जो अमाउंट फॉरफिटेड थी, अमाउंट फॉरफिटेड मीन जब हमने शेयर फॉरफिट करते वक्त 2 शेयर फॉरफिटर किया था, सपोज वो रुपीज से 5000 था, एग्जाम्पल लेके चलना, जब आप एक शेयर फॉरफिट करोगे, आप एंट्री पास करोगे ना शेयर कैपिटल डेबिट टू से टू शेयर फॉरफिटर टू फॉरेन एरियर्स, तो जो 2 शेयर फॉरफिटर किया सपोज वो 5000, ऐसे ही जो बी का किया सपोज वो 7000 था, टोटल कितना हो गया 12000 अमाउंट फॉरफिटेड। अगर आपने ऐसे कर दिया ना 12000 ओवर 3000 इंटू 2000, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज दो पार्टीज हैं। आप देखो इसका तो फार्मूला बनता ही नहीं, फार्मूला इसका बनता है, तो फार्मूला सिर्फ इस पे लगेगा, ठीक, गेन ऑन ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, गेन ऑन एज शेयर 1000 शेयर रुपीज 5000, ये ऐसे ही लिख देंगे। गेन ऑन बीज शेयर, बी पे लगाना है फार्मूला, बी की अमाउंट 450 7000 ओवर 2000 इंटू 1000 रीइश्यू शेयर, ये कितने आ गए 3500, टोटल आपका गेन बन गया 8500। यहां से माइनस किया जाएगा लॉस ऑन रीइश्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि अगर ये पॉइंट मैं आपको ना बताता तो आपने देखना था कितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने रीइश्यू हुए, 12000 अपॉन 3 करके आपने आंसर निकाल देना था, वो गलत हो जाता, ठीक है। जिसके पूरे शेयर रीइश्यू है उसका भी ऐसे लिख दो, जिसका पार्शियल रीइश्यू है वहां पे आपने फार्मूला लगाना है, इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल तो गेन आ गया, उसमें से जो भी लॉस हुआ होगा 2000 शेयर पे रीइश्यू करते वक्त 2000 हुआ है 4000, वो माइनस करके बाकी की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, इसका वर्किंग नोट बनना है। नोट कर लो पॉइंट्स को, जब सम करोगे ना तब प्रॉब्लम आएगी, तब ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक एक सम, अदरवाइज ये क्लास में ना मेरी आदत है मैं सारे सम क्लास में सॉल्व करता होता हूँ, मतलब आपसे करवाता होता हूँ, होते क्लास में होते हैं, अगर बिल्कुल मिलता हुआ सम हो फिर वो होमवर्क मिलता होता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम ऐसा कर सके, है ना, इसलिए आप जो है वो घर से सम करके आओगे ज़्यादा अच्छे होंगे। कोई पॉइंट पूछने वाला है पूछ लीजिए बेटा, फटाफट लास्ट मिनट ही है।